करवाओ। ओह छक्का, ये गलत छक्का लगा दी शानू ने। ये कहाँ गई बोलू, कहाँ है? चली गई, कहाँ चली गई? छानू बोलू करवाओ इधर। छानू इस साइड छक्का लगाएगी मच्छी। जाओ बोलू लाओ, जाओ छानू। कौन आया, कौन? हेलो एवरीवन, वेरी गुड एंड फ्रेश मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लगा, अच्छी रेस्ट होगी। जैसे थके हुए थे कल, तो रेस्ट अच्छे से होगी। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और सामने से धूप आ रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। गर्मी नहीं लग रही है और मौसम ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बाजू पहनी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बहुत अच्छी आई। जस्ट ईशान के साथ ही खेलने लगी, उठते ही ईशान के साथ खेलने लग गई थी। उसको बस है कि खेलना है। बोलू खेल रहा है अभी गाड़ी चलाने लग गया था ना, सोचा चलो ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं तब तक। और अभी सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी चलो मिलते हैं आपसे, कि भी क्या हो रहा है दिखाती हूँ मैं आपको। अभी सारे उठ गए, माही भी उठ गए। माही काम पे। और अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट और मैं नीचे दिखाती हूँ क्या चला हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। ईशान खेल रहा है, दीदी काम कर रहे हैं। ईशान बाय, आगे देखो आगे। और मम्मी बना रहे हैं चूल्हे पे खाना। हाय कितने टाइम बाद खाऊंगी मैं चूल्हे का खाना, इतना टेस्टी होता है। मम्मी बना रहे हैं आज आलू के परांठे खाएंगे। और यहाँ पे भी देखो पापा ने कितने अच्छे अच्छे फूल, पता नहीं कौन कौन से पौधे लगा के रखे हैं। इनको बड़ा शौक है अलग अलग टाइप के लगाने का, जब भी कहीं जाते हैं तो लेके आते हैं। वाओ सुंदर लगते हैं देखने में। वाओ कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा लगी हुई हैं। आधी तोड़ने वाली हो गई हैं, आधी पक रही हैं, बहुत सारी हैं। और ये पौधे तो मुझे लगता है नए लाए हैं। बहुत सारे हैं आगे तक। ये क्या पहन लिया आपने? बोलो मेडल है ये। मेडल है? शिवी को मिला है? शिवी को डालो। क्लैपिंग कर दो। ऐसे खड़े जैसे फोटो खिंचवाएंगे। यहाँ पे भी फूल है, मतलब हर जगह फूल ही फूल लगा रखे हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, ऊपर भी यहाँ पे। और मेरे घर के सामने का व्यू ऐसा है, सामने हमारे खेत है छोटे छोटे। और यहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। और ये मेरी चाची जी का घर है। अभी माँ ही बैठे हुए फोन चला रहे हैं और मैं ब्रूनो दिखाती हूँ वो कहाँ बैठता है। कुर्सी के ऊपर बैठता है वो ब्रूनो, स्पेशल कुर्सी रखी है इसके लिए। और इस साइड है हमारे खेत, साथ में ही है। पापा पीड़ लगाई चले के। ये चौका लगाया है शाम में। फिर से दूर से कराओ,
खेलो अब आपकी बात। तो यहाँ पे बैट्समैन मोहित पटियाल, बॉलर हैं शिवी। जल्दी आइए शिवी, बॉल करवाइए। बहुत तेज बॉल होने वाली है शायद, छक्का। ओ कैसे लग रहा है आपको खेल के? बॉलर चेंज होता हुआ, बॉलर है श्वेता राणा। हाँ साली साहिब बॉल करवाती हुई जीजू जी को, देखते हैं। ओ जीजू जी बचो। साली कहीं आउट ना कर दे, कोई नहीं उनको जाने दो। ओ बच गए। खेल तो बच्चे रहे थे लेकिन अभी बड़े बच्चे बन चुके हैं। यहाँ आनंद लेते हुए। ओ बैट बहुत ही लंबा है तो शायद नहीं पहुंच पा रहा है बॉल तक। इसी का नाम है जिंदगी। बने रहिए स्वाति न्यूज चैनल के साथ। ओ यहाँ पे फील्डर ना होने की कमी की वजह से बच गए हैं। तो अभी पापा जा रहे हैं माही को दिखाने सब्जी, क्या वो बोलते हैं जिसको माही ने नहीं देखी पहले, तो अभी जा रहे हैं दिखाने। मैं दिखाती हूँ आपको भी, देख लिए क्या वो? नहीं ये गोभी है, साथ ही गोभी, गोभी भी लगी है। देखो देख लिए ना क्या वो आपने, लग गया पता माही? ये मटर मटर लगा रखे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। टमाटर वहाँ पे और सब कुछ लगा है, ये लहसुन लगा है, ये टमाटर लगाए हैं और साथ में भिंडियां भी, और ये लगे हैं बैंगन, और भी बहुत कुछ लगा रखा है आगे तक। सारा लहसुन ही लहसुन है, बहुत सी टाइप का लहसुन लगाते हैं मम्मी। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं रोज। ये कलर कितना अच्छा है ना, ये कलर अच्छा है, ये कलर भी अलग है ना दोनों। और ये है हमारा रोन दुछानू। निन्नी निन्नी कर लो, जाओ जाओ निन्नी कर लो। अभी जी मेरा हेयर स्टाइल बना रहे हैं और फ्लावर लगाएंगे मेरे बालों में, आइए सामने। उनका मन कर रहा है कुछ क्रिएटिव करने का, तो देखते हैं क्या बनाते हैं वो मेरे बालों का घोंसला, एंड दिखाएंगे हम आपको। माते तो ईल दी नहीं सानू, तो बहुत बुरा है। और यहाँ ये मेरी चाची की बेटी है साक्षी, वो भी आ गई है। और ये ईशान को सनस्क्रीन लगा रही है, ये थोड़ा कैमरा शाही है। और चलो बताओ आपको क्या दिया डैडी ने? ये है कर कर। ओके किस चीज से बनता है डैडी जी? ये हेयर का पेड़ होता है, उसके बनता है, उसका बीच वाला तना निकाल के उसको उबाल के उसका रस निकाल के तब जाके ये पीस तैयार होता है। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, मेडिकल में दवाइयों में यूज होता है। अच्छा दवाइयों में भी यूज होता है, पर जैसे ऐसे भी खा सकते हैं इसको? सच में बहुत कॉस्टली। वाह इतनी कॉस्टली चीज दे दिया डैडी ने। ये तो लाखों रुपए किलो होता है, हैं? मतलब इसके फायदे होते हैं कि गले में जैसे दर्द वगैरह होता है उससे भी ठीक हो जाता है। चलो लो आपको दिया, गिफ्ट दिया आपको, रख लो। गाइस मैं आप लोगों को ना अपनी फैंसी दिखाती हूँ, हमारे मायके में है फैंसी। शिवी मत करो पुत्र आवाज प्लीज। मैं दिखाती हूँ अभी, डैडी नहला रहे हैं उनको, दो है ना नहला रहे हैं, डेली नहलाते हैं। अभी धूप अच्छी है ना, एक उधर है इशार भी चला गया, इसको भी बड़ी पसंद है।
और एक छोटी सी भी है कट्टी सी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी गिल्ला हो गया है इसमें जा नहीं सकती ना। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और हमने लंच वगैरह भी कर लिया है, यहाँ पे भंडारा था हमारे गांव तो मम्मा खाना लेके आए थे, बस अभी खाना खा के आई हूँ। बट टाइम भी हो गया जाने का भी, जैसे मैं रेडी होने आई हूँ रूम में, मैंने कहा कि चलो बता देती हूँ, उससे पहले तो सारे ऐसे बातें कर रहे थे तो टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि चाची वगैरह भी आए हैं तो उनसे भी मिल लिए, तो तब से बातें कर रहे हैं, टाइम लग भी नहीं रहा था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। और अभी जस्ट रेडी हो के फिर हम निकल जाएंगे, तभी जाए पहुँचेंगे टाइम से, और आगे भी और बहुत सारे काम हैं तो मिलना तो हो ही गया सबसे। अब मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और कुछ आने का टाइम हो गया है हमारा, और ईशान सबको मिठाई बांट रहा है, जो खुद खा रहा है वो सबको दे रहा है, जबरदस्ती खिला रहा है। मैंने मना की तो मुझे डरा रहा है कि नहीं लो, जब कुछ मांगो ना जो हमें खाना वो नहीं देगा। वाह दे रहा है, क्या दे रही हो ईशान? मम्मा लो। हाँ मम्मा लो, सबको दे रहा है अभी, फिर अब हम चल पड़े। थैंक यू, चलो बाय बाय बोलो मुझे। जीजा जी फिर मिलेंगे दोस्तों, मुलाकात के साथ। बाय बाय, तो छोड़ने चलो, ईशान हमारे साथ जाएगा, चलोगे आप हमारे साथ? चलोगे ईशान हमारे साथ? जाओगे नहीं जाओगे? सारे मुझे छोड़ने जा रहे हैं, बाय बाय बोलने जा रहे हैं, फिर मत आओ। आपके लेके जा रहे हैं माही। ये है मेरी छोटी सी फैमिली जो हम काफी टाइम बाद मिले हैं, वैसे तो लोग भी छोटे छोटे हैं। काफी टाइम बाद मिले हैं, एक साल बाद मिले हैं, हाँ एक साल हो गया, पर इतना टाइम है नहीं अभी मेरे पास कि मैं रुक के सबसे बातें करूँ, और पर चलो फिर भी मिलना हो गया, इतना ही बहुत है, फिर मिलेंगे जब ज़्यादा लंबी छुट्टी आएंगे हम सारे। देखो कैसे चले लाइन में मुझे छोड़ने। मैं चलने लगी और हवा भी चल रही है तेज। आओ आप भी मिलो, दीदी जा रही है, आओ जल्दी आओ, आई साथी सिप्पी भी आई, सिप्पी आओ जल्दी, दीदी को बाय बोलो, बाय दीदी को, बाय करो, बाय सिप्पी, बाय बाय। अर्जुन मत पैर छू, जीजो कैसे लग रहा है कि मैं ज्यादा ही बड़ा हूँ। छानू बाय करो जीजो जी को, बाय, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी देखोगे आप ये ब्लॉग, बाय 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 बाय। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और ये है हमारे यहाँ धंगोटा का पुल, जहाँ मेरी बहुत सी यादें हैं, और वहाँ नीचे रह गया मेरा घर, अभी हम जा रहे हैं। ये दूसरी वाली मार्केट छोटी, चल। तो ये है बिचड़ की मार्केट, यहाँ से पीछे से स्टार्ट होगी, मैं दिखा नहीं रही हूँ, आगे से दिखा रही हूँ मैं आपको, किसी ना किसी को तो पता होगी शायद ये लोकेशन, और ये है बिचड़ का ग्राउंड। अभी हम वापस आ गए हैं, और सच में ऐसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है घर से आते हुए, तो लगता ही है क्योंकि मतलब टाइम का पता ही नहीं चला कब हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे अभी गए थे और अभी आ गए, कल इसी टाइम पे गए थे और इसी टाइम पे आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा और जैसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मिलना ही था सबसे, वो हो गया है, अभी घर पहुँचने वाले हम थोड़ी देर में, मैंने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। मेरी आंखें ऐसे लाल हो रही है, रो के हटी हूँ, नहीं पर मैं रो ही नहीं हूँ आज, कोई बात नहीं, फिर जल्दी आएंगे, फिर मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। चलो सो गाइस, मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं,
फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइज। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।